हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 4। तीन लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और काफी सारा पोर्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का अपन कर चुके हैं अच्छे से। काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, काफी नए नए कॉन्सेप्ट सीखे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने किए थे लास्ट लेक्चर। अब बच्चा सेम चीज को कंटिन्यू करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 विद बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो मजे लेते रहिए, अच्छे से करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ये बार बार बोलने की जरूरत ना नहीं पड़नी चाहिए। और एक पॉइंट एकदम क्लियर, जो अपन ने जितने नए फॉर्मूले ऑलरेडी लास्ट क्लास तक जो फॉर्मूले पढ़े, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने ना उसे नोट्स में एक जगह सारे एक जगह लिखे होंगे, है ना, प्रॉपर फॉर्मूला चार्ट बना के, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेम चीज आज भी फॉलो करना है, जो जो नए फॉर्मूले सीखते जाएंगे उन सबको सेम जगह लिखते रहना ताकि सारे फॉर्मूले आपके पास एक जगह कलेक्टेड रहे। ठीक है, ओके, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं कुछ नए फॉर्मूले से, दैट इज साइन 2a। ठीक है, अब लास्ट साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, ये सारा कुछ हम सीख चुके थे, साइन c प्लस साइन d, ये सारा कुछ हम सीख चुके थे। अब मल्टीपल एंगल्स की बात करते हैं, यानी कि जब a की जगह 2a अपने पास है तो साइन 2a की वैल्यू अपन ने फाइंड करनी है। तो कैसे स्टार्ट करें, एकदम सिंपल लॉजिक ना, क्या करो, साइन 2 इज बेसिकली व्हाट, साइन 2a इज साइन ऑफ a प्लस a, यही है 2a इज व्हाट, a प्लस a, बढ़िया। अच्छा, अब इसे अगर मैं a और b कंसीडर करूं तो साइन ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी बहुत क्लियरली अपने को याद है। अगर साइन a प्लस b की आइडेंटिटी अपने को क्लियरली याद है तो सेम चीज फॉलो करो। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन a cos a प्लस cos a sin a, क्योंकि a और b सेम है तो sin a cos b, cos a sin b करो, sin a sin a, sin a cos b और cos a sin a हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली sin a cos a, sin a cos a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ sin a इनटू cos a, और बस यही अपने पास आइडेंटिटी बन गई। किसकी आइडेंटिटी, sin ऑफ 2a की, sin ऑफ 2a इज 2 sin a cos a। अब एकदम क्लियर है, लॉजिक समझ आया, डेरिवेशन समझ आया, बस इतना ही करना है, प्रॉपर्टी एकदम क्लियर क्लियर ब्रेन में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, और दोनों तरीके से ध्यान रखना, हर बार जरूरी नहीं साइन ऑफ 2 आपको फाइंड करना हो, बहुत बार जरूरत पड़ेगी कि आपको ना इस फॉर्म में दे रखा है 2 साइन ए कॉस ए और आपको उसे साइन 2a तक लेके जाना है, या फिर कई बार 2 साइन ए कॉस ए भी नहीं दे रखा होगा, आपके पास सिर्फ साइन ए कॉस ए दे रखा है, साइन ए कॉस ए दे रखा है। अब आपको है ना क्या करना पड़ेगा, बहुत बार ये सोचना पड़ेगा कि साइन ए कॉस ए की आइडेंटिटी ना शायद 2 साइन ए से आती है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके से 2 साइन ए कॉस ए बनाया और वहां से अपन स्विच कर गए साइन 2a से। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ेगी तो इस चीज को ब्रेन में क्लियर रखना। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जो भी आइडेंटिटी आप पढ़ रहे हैं एकदम रट जानी चाहिए दिमाग में, कि देखते क्लिक कर जाए कि हाँ कौन सी आइडेंटिटी अपने को यहां पे यूज करनी है ताकि क्वेश्चन अपना इजी बने और अच्छे से हो जाए। ठीक है, ओके, अब भी आप एक और चीज समझना, जो नोट बना के मैंने लिखा है, जो थीटा बाई 2 है एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि 2a को मैं मान लेता हूं कि कोई एंगल थीटा है, मान सकते हैं 2a भी वेरिएबल है और a भी, थीटा भी वेरिएबल है, तो 2a को मैंने माना थीटा। तो यहां से अगर अपन a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2, डेफिनेटली इक्वल टू थीटा बाय 2 ना, कोई इसके अंदर सोच वाली बात ही नहीं। तो होगा क्या, sin 2a, 2a क्या हो गया थीटा, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू sin 2 sin a cos a, तो 2 sin a की जगह थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। तो अगर अपने पास रिक्वायरमेंट कई बार ऐसी आ रही है कि 2 थीटा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो क्या करो, a को थीटा बाय 2 कर लो तो भी अपना आंसर क्लियर आ जाएगा। तो sin थीटा इज 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, क्लियर, एकदम बढ़िया। तो आइडेंटिटी क्लिक, साइन 2a बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा cos 2a, समझना बिकॉज की बहुत सारी आइडेंटिटी आने वाली है। तो cos 2a को कैसे लिख सकते हैं बेटा, cos 2a इज बेसिकली cos ऑफ a प्लस a, एग्जैक्टली सेम जैसा ऊपर किया था। अच्छा, दिस विल बिकम cos a प्लस b, क्या होता है पहले एक बार फटाफट से याद करते हैं, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, तो यहां से अपने पास हो जाएगा cos a cos b, मतलब वही cos a, माइनस sin a sin b, मतलब वही है, बढ़िया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से क्या मिल रहा है, cos a माइनस sin a sin a, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और ये किसकी आइडेंटिटी आई बेटा, ये आइडेंटिटी अपने पास आई cos 2a। अब cos 2a दिमाग में आते क्लियर, cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अच्छा, और कुछ देखते हैं, क्या देखें और कुछ,
ये था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. अच्छा sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर a. प्रॉपर्टी पता है, आइडेंटिटी पता है, तो अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा माइनस प्लस cos स्क्वायर a, एंड दिस इज बेसिकली cos स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1. ये अगेन cos 2a की एक और आइडेंटिटी, और जो सबसे ज्यादा यूज आने वाली आइडेंटिटी यही है cos 2a के लिए. cos 2a के लिए एक और ये आइडेंटिटी है, एक और पढ़ने वाले हैं कि पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो तीनों में से सबसे ज्यादा यूज ये आइडेंटिटी आएगी, तो इसको एकदम ब्रेन में सेट कर लो. cos 2a is 2 cos square a minus 1. अच्छा दिस इज इक्वल टू, एक और आइडेंटिटी पढ़ते हैं क्या करें. यहां पे मैंने क्या किया था, sin square a को 1 minus cos square a लिखा था, तो अपने पास बना 2 cos square a minus 1. अगर मैं यहां पे cos square a को 1 minus sin square a लिखूं तो क्या हो जाएगा, दिस यानी कि cos 2a is equal to 1 minus sin square a, तो जगह 1 minus sin square a, and minus में अपने पास है sin square a, and this basically 1 minus 2 times of sin square a, और ये अपने पास बन गई third identity, that is 1 minus 2 sin square a, किसके equal है, cos 2a के equal है. तो cos 2a के identity अपने पास अलग अलग आ चुके, cos 2a के identity क्या आ रही है, एक आ रही है cos square a minus sin square a, बढ़िया, एक आ रही है 1 minus 2 sin square a, बढ़िया, एक आ रही है 2 cos square a minus 1, क्लियर. और ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी बेटा अपने पास आ रही है cos 2a की, एकदम सिंपल, बढ़िया. अच्छा इससे एक चीज ध्यान रखना, ये जो आइडेंटिटी मैं अगेन बता रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1 is cos 2a, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि 2 cos square, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं समझना, अगर यहीं से मैं बोलता हूं 2 cos square a is equal to what, 2 cos square is equal to cos 2a plus 1, तो cos 2a plus 1 is equal to 2 cos square a, और cos square is equal to 2 cos 2a plus 1 upon 2 plus 1, ठीक है बेटा. तो ध्यान रखना 2 cos square a is equal to cos 2a plus 1 करके आइडेंटिटी बन रही है, और ये बहुत बार यूज आएगा, ठीक है. इसी से मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 cos square theta by 2, यानी कि अगर मैं अगेन सेम ऊपर वाला काम करता हूं, ऊपर वाला काम क्या, a को क्या बोला theta by 2, तो 2a हो जाएगा theta, तो यहां से अगर 2 cos square theta by 2 की बात करें तो that will be equal to 1 plus cos 2a, that is 1 plus cos theta, और सेम चीज sin के साथ अपन ने कर दिया. तो ये बेसिक आइडेंटिटी sin 2a cos 2a एकदम क्लियर हो गई, जितनी आइडेंटिटीज पड़ी सारी अपने को क्लियर ब्रेन में छप जानी चाहिए, बहुत बढ़िया. बढ़ो आगे, अब बात करते हैं tan 2a, और इसका डेरिवेशन तो और भी आसान, क्या ही है इसके अंदर, सेम अप्रोच जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं अभी भी वही करनी है. तो tan 2a is tan of a plus a, tan of a plus a का मतलब हो जाएगा बेटा tan a plus tan a upon 1 minus 10 square a, 10 a into 10 a, that is 10 square a, and this is basically what, this is equal to 2 times of 10 a upon 1 minus 10 square a. ये अपने पास आ रहा है 10 2 a की identity, 10 2 a is 2 10 a upon 1 minus 10 square a, बढ़िया. ये अपने पास आ गया 10 2 a. अच्छा सेम चीज यहां पे कर दिया, अगर 10 theta की बात करेंगे तो theta a को क्या कर देंगे, a by 2 कर देंगे, तो 10 theta is 2 10 theta by 2 upon 1 minus 10 square theta upon 2, question done. ये भी अपने पास हो गया, सेम अप्रोच लगाया, बस वहां पे 2 a को theta किया तो a को theta by 2 किया, तो आइडेंटिटी क्लियर, 10 2 a is 2 10 a upon 1 minus 10 square a, बढ़िया बढ़िया. अब इसी तरीके से बेटा ध्यान रखना sin 2a cos 2a को अपन 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दो आइडेंटिटी बनती है, sin 2a is 2 10 a upon 1 plus 10 square a, sin 2a is 2 10 a upon 1 plus 10 square a, similarly cos 2a is 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रख लेना, दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रख लेना, बहुत बार यूज आएगी, बढ़िया. ओके अब अपने पास क्या हुआ, tan 2a sin 2a cos 2a सारा कुछ आ चुका है, बात चुका है, तो अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, जब अपन पास एंगल्स ना मल्टीपल में कहां पहुंच गया, 3 तक पहुंच गया, दैट इज sin 3a cos 3a और tan 3a, ठीक है, इनका डेरिवेशन एग्जैक्टली वैसा ही था, बस यहां पे क्या हो जाएगा, sin 3a को अपन कर देंगे sin of 2a plus a, अब इसको डिफरेंट इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली वही बनेगा sin 2a, वो पीछे वाली स्लाइड से यूज कर लेंगे, तो अपने पास sin 3a की आइडेंटिटी बनेगी बेटा 3 sin a minus 4 sin cube a, 3 sin a minus 4 sin cube a, this is sin 3a,
cos 3a भी exactly same approach use करेंगे and cos 3a की जो identity uncle कहती है बेटा लिख लेना, this is the identity that is 4 cos cube a minus 3 cos a. अब याद करने का ना थोड़ा सा ही चीज use कर सकते हो, मैं personally ऐसे याद करता हूँ कि 3 sin a minus 4 sin cube a आ गया, ठीक है. अब cos के लिए क्या करूँ, उसको reverse start कर दो, that is 4 cos, यानी जो negative है उसको positive, जो positive उसको negative, that is 4 sin cube a negative था तो 4 cos cube a बन गया positive. अच्छा 3 sin a negative positive था तो 3 sin a 3 cos a बन गया negative, that is 4 cos cube a minus 3 cos a, this is equal to cos 3. तो sin 3a cos 3a, जब sin 3a by cos 3 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, tan 3a and this is equal to 3 tan a minus 10 cube a upon 1 minus 3 tan square a. एकदम क्लियर क्लियर, ठीक है. बच्चे जनरली इसमें ना भूलते हैं तो इसको अच्छे से लिख लिख के याद कर लेना ताकि दिमाग में सेट हो जाए. तो sin 3a 3 sin a minus sin 4 sin cube a, ठीक है. cos 3a क्या हो जाएगा अपने पास, 4 cos cube a minus 3 cos a, और सिमिलरली tan 3 अपने पास आ गया तो sin 3 tan 3 cos 3 डन, ठीक है. तो अब आइडेंटिटी अपने पास 2a की हो गई है, आइडेंटिटी अपने पास 3a की हो गई है. तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और वन बाय वन ना क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. अब देखना अगर अपने को आइडेंटिटीज याद है तो सारे क्वेश्चन कितने स्मूथली और कितने इजीली हो जाएंगे, ठीक. चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वी नीड टू प्रूव sin ऑफ 2a अपॉन 1 plus cos 2a is equal to tan a प्रूव करना, ठीक है. तो tan a प्रूव करना स्टार्ट करते हैं. तो sin 2a, sin 2a क्या होता है बेटा, sin 2a is 2 times of sin a into cos a, sin 2a is 2 times of sin a into cos a. अच्छा 1 plus cos 2a कितना होता है, 1 plus cos 2a is cos square a, 2 cos square a. अच्छा अगर माना वो याद नहीं है, ठीक है, अगर वो याद नहीं है तो क्या करो, एक अप्रोच तो पता ही है कि 1 plus cos 2a, cos 2a कितना होता है 2 cos square a minus 1 आया. अच्छा अभी plus 1 minus 1 खत्म हो चुका, बचा अपने पास 2 times of sin a into cos a whole upon में 2 times of cos square a. although मैं यही कह रहा था कि अगर property याद है, मैंने बोला भी था उस time highlight करके कि बेटा direct वाली property याद रखना, 1 plus cos 2a is 2 cos square a, ठीक है. ना याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, cos 2a का identity अपने को पता है 2 cos square a minus 1, 1 खत्म, 2 cos square a अपने पास आ गया. फर्दर सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, 1 cos से cos कैंसिल, तो बच रहा है अपने पास sin of a upon cos of a and which is equal to tan of a, जो एक्चुअल में अपने को प्रूव करना था. एकदम ध्यान से देखो, एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, क्वेश्चन का आंसर हो चुका है डन. मतलब प्रूविंग जो अपने को चाहिए थी वो हो चुकी है, और इतनी ही आसान प्रूविंग है अगर अपने को आइडेंटिटीज याद है. भाई कंडीशन तो जरूरी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. तो याद है तो क्वेश्चन डन, एकदम आसानी से डन, ठीक है. अब बढ़ जाते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन को. अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अपने को tan a plus cot a equal to 2 cos a 2a, कैसे करें. चलो हाथ पैर मारते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा. कॉसेक दे रखा है अपने को तो क्या करें, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी तरीका वही दिखता है ना. और साइन 2a की प्रॉपर्टी, कॉस 2a तो अपने नहीं पढ़ा, बट साइन 2a अपने पढ़ा है. और साइन 2a के लिए मतलब अपने को साइन में कन्वर्ट करना है, जबकि दोनों कॉस और दोनों टेन और कॉट में. तो साइन में कन्वर्ट करेंगे, टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए इज कॉस ए अपॉन साइन ए. बढ़िया. अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करना एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम इज साइन ए इनटू कॉस ए. अच्छा साइन ए इनटू कॉस ए एलसीएम लिया, ऊपर बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज बेसिकली वन अपॉन साइन ए इनटू कॉस ए. ठीक है, यहां तक अपन आ गए. ठीक है अभी क्या करें आगे. अब देखो यहां पे sin a cos a दे रखा है, अपने को चाहिए cosec 2a. cosec 2a यानी कि मैं बोल सकता हूं अपने को चाहिए sin 2a. sin 2a कहां से मिलेगा, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मेरे को दिख रहा है क्या sin a cos a है. अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई, अगर अपन इसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन की वैल्यू विल बी सेम. और ये अपने पास बन गया 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a किसके इक्वल होता है बेटा, sin 2a के इक्वल. सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन sin 2a, और अभी अपने पास आ गया 1 अपॉन sin 2a इज cosec 2a. सो दिस इज इक्वल टू 2 into cosec 2a, और यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ बिल्कुल प्रूफ.
ठीक है। तो हुआ क्या, सिंपल अप्रोच अपने को समझ आया, पहले दिमाग स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा ना ये फंस जाता है कि सर यही समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझो, कॉसेक 2 चाहिए, कॉसेक 2a की प्रॉपर्टी नहीं पता, साइन 2a की आइडेंटिटी पता है, तो साइन 2a लाने के लिए इन दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो अपने पास ऐसा कुछ आया, यहां से खत्म हुआ, अपने पास आ गया 1 / sin a cos a। अगेन आइडेंटिटी नहीं है, साइन ए कॉस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 साइन ए कॉस ए चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका, बिकॉज अब दिस इज इक्वल टू 2 / साइन 2a एंड व्हिच इज इक्वल टू 2 * cosec 2a, क्वेश्चन डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है अपने को, 10 100 + 10 125 + 10 100 * 125, ऑल द ये क्वेश्चन ना इन आइडेंटिटी से नहीं है, पुरानी वाली आइडेंटिटी से, ठीक है, अगर उसको करोगे तो, ठीक है, बट स्टिल करने की कोशिश करते हैं करें कैसे। अब दिखने के लिए एक बार एक कॉम्प्लिकेट लग रहा है, 10 100 125 100 * 125 और ऐसी कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है क्लियर क्लियर 10 के अंदर, ठीक, बट याद करो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। एक बार मैं उस स्लाइड पे मूव करता हूं, मतलब उस क्वेश्चन पे मूव करता हूं, फिर इस पे बात करें। अपने क्या बोला था कि सर अगर tan ऑफ a + b की वैल्यू फाइंड करें सच दैट, अगर गिवन क्या था, कंडीशन क्या थी, इफ a + b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन था तो tan ऑफ a + b अपने क्या फाइंड किया था, तो अपने को पता चल रहा था 1 इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस टेन ऑफ बी प्लस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी, हम कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी, याद है क्यों, क्योंकि टेन ऑफ ए प्लस बी कितना बनना था 45। अब सेम चीज यहां अप्लाई करके देखते हैं, मैंने कहा टेन ऑफ 100 प्लस 125, ठीक, tan ऑफ 100 प्लस 125 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टेन ऑफ 100 प्लस 10 ऑफ 120, बेटा सारा कुछ डिग्री के अंदर, ध्यान रखना मैं बार बार यूज नहीं कर रहा हूं बट है सारा कुछ डिग्री के अंदर, अपॉन 1 माइनस 10 100 इनटू 10 125 आया। अच्छा 10 100 प्लस 125 इज 10 225, और बेटा t 10 225 कितना, 10 225 इज 10 ऑफ पाई प्लस 45 विच इज इक्वल टू 10 ऑफ 45 विच इज इक्वल टू 1, बिकॉज अगर 10 45 1 है, 10 45 1 है तो डेफिनेटली 10 225 ही क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 10 225 इज व्हाट, 10 225 इज 10 ऑफ पाई प्लस 45 दैट इज 180 प्लस 45, बट 10 पाई प्लस थीटा इज 10 थीटा, पॉजिटिव 10 थीटा, तो दिस इज 10 45 विच इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 1, इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो आई कैन अगेन से द सेम स्टेटमेंट जो ऊपर आई थी अपने पास, दैट 1 इज इक्वल टू 10 ऑफ 100 प्लस 10 ऑफ 125 प्लस 10 ऑफ 100 इनटू 10 ऑफ 125, और ये अपने पास स्टेटमेंट निकल के आ गई, समझ आए पॉइंट, एकदम क्लियर क्लियर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम अप्रोच थी जो लास्ट क्लास में हमने 45 के लिए की थी, ठीक है, यहां पे क्या अप्रोच बन रही है, यहां पर अपने पास 225 के लिए भी सेम अप्रोच बन रही है और क्वेश्चन हो चुका है डन। तो आ जाते हैं, साइड में हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, और समझ आ चुका है तो अब बढ़ जाते हैं बेटा वापस से अपने क्वेश्चन पे, जो अपन ने फाइंड करना था ये कुछ फाइंड करना था, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, अब सीधा सीधा दिख रहा है अपने को चाहिए क्या, 10 ऑफ 100 प्लस 10 ऑफ 125 प्लस 10 ऑफ 100 इनटू 10 ऑफ 125, सर इसका आंसर तो सीधा सीधा 1 है, ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर दो, ठीक है। और ये समझने के साथ साथ मुझे एक और चीज क्या समझ आ रही है, एक और चीज क्या समझ आ रही है, अब उसे नोट बना के लिख लेना क्या, कि इफ 10 ऑफ a + b इज इक्वल टू 1, If 10 of a plus b equal to 1, पहले मैंने कहा था if a plus b equal to 45, अभी मैं देख रहा हूं 225 के लिए भी हो रहा है और हो सकता है और भी बहुत सारे एंगल्स के लिए बने, क्योंकि 10 तो पीरियोडिक है, तो बहुत सारे एंगल्स आएंगे 10 के, जिसके साथ अगर मैं 10 की वैल्यू फाइंड करूं तो रिजल्ट 1 आएगा। तो मैंने बोला वो हर वैल्यू a और b की जहां से 10 of a plus b 1 आ रहा है, तो इन दैट केस 10 of a plus 10 of b plus
tan of A into tan of B जो बेटा आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने कहां लिख ली, जहां पे आपने सारी आइडेंटिटीज लिखी है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को लॉजिक समझ आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें सीधे सीधे आंसर मार्क करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन था, देखते समझ आ रहा है 100, 125, 225, 1 आंसर खत्म, सीधे सीधे 1 पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और इतना ही टाइम इसके अंदर लगाना है। क्लियर है मेरा पॉइंट? आई होप दिस इज अगेन वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टाइम वेस्ट करोगे नहीं, लेस देन 20 सेकंड में 4 नंबर लेके आगे निकल जाओगे भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, ये अपन समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है अपने पास, अपने पास ना एक क्वेश्चन है cot 70 + 4 cos 70। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना क्वेश्चन। अगर स्टेप किसी भी स्टेप में मिस करो तो क्वेश्चन फंसेगा, है ना, और आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। क्वेश्चन इज अपने को फाइंड करना है cot 70 प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 70, ठीक है, फाइंड करें। अभी तक ना देख के कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगने वाली है। मैं काम करता हूं, मैं इस cot 70 को लिख देता हूं 10, 20। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को पता है भाई cot 70 10 20 बनेगा, डेफिनेटली बनेगा cot 90 माइनस 20, और ये बन गया अपने पास 10 20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 70। अच्छा cos 70 को क्या बना सकते हैं, cos 70 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम sin ऑफ 20। मैंने sin और 10 में कन्वर्ट किया बिकॉज cot और cos ना मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, तो 10 और sin में कन्वर्ट किया, अब कंपैरेटिवली इजी लगेगा। तो अपने पास आ गए 10 20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin 20, और सारा कुछ डिग्री में ही है, है ना, बढ़िया। अब क्या करें, अभी भी कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, तो मैं काम करता हूं यहां से 10 20 को लिख देता हूं sin ऑफ 20 अपॉन cos ऑफ 20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin ऑफ 20। कोई लोड नहीं है, एकदम सिंपल, 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी LCM लेते हैं, LCM क्या बनेगा, LCM आया cos 20 एंड इट विल बिकम sin 20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin 20 into cos 20। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिटी चमकेगी, है ना, ध्यान से देखोगे तो अभी आइडेंटिटी चमकेगी। कैसे चमकी समझना, मैं काम करता हूं इस 4 को, इस 4 को मैंने लिखा 2 into 2 लिखा, बिल्कुल लिख दिया, कोई लोड नहीं है। अच्छा अगर लिख दिया तो अब ध्यान से देख, sin 20 sin 20 प्लस 2 ऐसे कैसे रहने दो, और ये क्या बन रहा है 2 sin 20 into cos 20, 2 sin 20 into cos 20 that is 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a is बेटा sin 2a, so this is 2, तो अपने पास ये वाला 2 मैंने लिया, इस 2 को इनके साथ भेज दिया था, तो 2 sin a cos a is sin 2a that is 2 times of sin 40, और अपॉन में अपने पास क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है cos 20, चलने दो बिना परेशानी के। अभी कोई डाउट नहीं, अभी क्लियर है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ओके अब आगे बढ़ा, अपने पास आ गया sin 20 प्लस 2 sin 40। अभी ना sin 20 प्लस 2 sin 40 की कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, जहां से मैं cos 20 को हटा सकूं, कि मेरे को ऑप्शन ना सीधे सीधे दिख रहे हैं, ऐसी कोई वैल्यू आएगी या तो cos 20 मर्ज हो किसी के साथ या हट जाए। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं sin 40 को लिख देता हूं sin 40 प्लस sin 40, ये अपन लिख सकते हैं, अपने को पता है 2 sin 40 sin 40 प्लस sin 40 और अपॉन में cos 20, अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। अब देखो अभी क्या कर सकता हूं, अभी sin 20 और sin 40 इन पे आइडेंट लगा सकता हूं बिकॉज़ दिस इज sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d इज, अब अपने को प्रॉपर्टी पता है sin c प्लस sin d इज 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d / 2 यानी कि 60/2 दैट इज 30 into cos c minus d by 2 which is 40 minus 20 20 by 2 10 और plus sin 40 बैठा है अपनी जगह और अपॉन में cos 20 भी अपनी जगह बैठा है बिना किसी परेशानी के, ठीक। अब sin 30 कितना होता है बेटा, sin 30 is 1/2, sin 30 1/2 तो 2 into 1/2 1, ये हो गया खत्म, है ना, ये अपने पास हो गया खत्म, ये बन गया 1, ये बन गया अपने पास 1। अच्छा तो यहां से क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा cos 10 प्लस sin 40 और अपॉन में बचा अपने पास cos 20। अभी क्या करें, है ना, अभी अगेन कुछ आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करें। अब देख बेटा sin c cos c प्लस sin d कोई आइडेंटिटी नहीं होती, या तो sin c प्लस sin d होती है या sin c माइनस sin d होती है, cos c प्लस cos d होती है और cos c माइनस cos d होती है, यहां पे sin और cos की कोई आइडेंटिटी नहीं। तो क्या करूं, या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कर दूं या दोनों को sin में कन्वर्ट कर दूं, किसी में भी कर दूं जैसा अच्छा लगे। मैं काम करता हूं sin में करता हूं,
हमेशा मैं ज्यादा कंफर्टेबल उसमें। तो साइन 10 का cos 10 इज व्हाट? cos 10 इज साइन ऑफ 80 प्लस साइन ऑफ 40 और अपॉन वाला cos 20 अभी भी वैसा का वैसा, कोई परेशानी नहीं दे रहा अभी अपने को। अब इसको हटाते हैं। अब देख sin c + sin d, sin c + sin d इज अगेन ऊपर वाली आइडेंटिटी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ sin c + d / 2। तो 80 + 40 120 / 2 60, तो 2 sin 60 into cos c - d / 2, दैट इज 80 - 40 40 / 20 40 / 2 20 और अपॉन में अपने पास cos 20। अभी cos 20 cos 20 खत्म, इतनी देर से जो चलता जा रहा था cos 20 फाइनली यहां पे आके खत्म हुआ। और अब मेरे पास बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ sin 60 व्हिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √3 / 2 व्हिच इज इक्वल टू √3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन दिख रहा है कहीं? बिल्कुल दिख रहा है, मार्क करो और बढ़ जाओ आगे आराम से। साइड में हो गया हूं, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना लो इसका और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छे से देखो हुआ क्या, मैं क्वेश्चन को ना एक मिनट में इसको रिकैप करता हूं। क्वेश्चन था अपने पास cos 70 + 4 cos 70, ठीक है, क्या किया sin cos में कन्वर्ट किया और sin cos में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे अपन आ गए, ठीक है, यहां पर आए LCM लेके यहां पे आ गए। अब यहां पे पहली आइडेंटिटी लगा रहे हैं कि सर ना 4 sin 20 cos 20 दिख रहा है, तो 4 को 2 into 2 लिखा ताकि 2 अलग हो जाए और 2 sin 20 cos 20 दिखे, 2 sin a cos b which is sin 2a, sin 2a तो यहां पे आ गया, तो 2 into sin 40 आ गया। अगेन इन दोनों की कोई आइडेंटिटी नहीं दिख पा रही है, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी दिखने के लिए 2 हटना चाहिए, तो 2 हटना है तो मैंने क्या किया, 2 तो हटा नहीं पाया, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और sin 2 sin 40 को sin 40 + sin 40 कर दिया। ये भी कर सकते हैं, बड़ी बढ़िया, ठीक है। अब देखो sin c + sin d प्रॉपर्टी लगाई, जो खत्म हो सकता था खत्म कर दिया, बचा cos 10 + sin 40, अगेन फंस गए, cos c + sin d कोई आइडेंटिटी नहीं, या तो दोनों को cos में करो या दोनों को sin में करो, ठीक है। अब लॉजिक में बता रहा हूं ना कैसे स्टार्ट करें, क्या अप्रोच अपना, क्या कहां पे माइंडसेट जाना चाहिए। सर कैसे पता sin 10 को cos कि cos 10 को sin 80 में यहां कन्वर्ट करना है? अरे भाई कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटीज याद है और आपको भी याद है, आपको पता है सर sin और cos की ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है ना, आपने पढ़ाई है, जो मैंने नहीं पढ़ाई मतलब नहीं है, है ना। तो यहां से क्या किया, cos 10 को किस में किया, इसको कन्वर्ट किया sin में, तो आ गया sin 80। अब आइडेंटिटी दिख रही है sin 80 + sin 40 व्हिच इज इक्वल टू, ये एक सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद अब sin 20 cos खत्म और क्वेश्चन हम चुके खत्म, ठीक है। तो एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, सही से समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है tan a + tan 60 + a माइनस टेन सिक्सटी माइनस है। अब ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन है जो स्पेस मांगेगा, कैसे करें इस क्वेश्चन को डील, ध्यान से समझना। अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट करते पहले, तो टेन ए टेन सिक्सटी प्लस ए माइनस टेन सिक्सटी माइनस है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने में लग रहा है, एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा सा स्पेस लेके करते हैं। स्पेस लेके कैसे करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं सर टेन सिक्सटी प्लस ए चाहिए था एक तो मुझे, और एक था 60 माइनस ए चाहिए था, पहले इन दोनों को डील कर लेते हैं। तो टेन सिक्सटी प्लस ए यानी कि टेन ए प्लस बी आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लगाई तो बेटा ये बनेगा टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी यानी कि ए अपॉन वन माइनस टेन सिक्सटी इंटू टेन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल आइडेंटिटी। अच्छा इसको सॉल्व किया, टेन सिक्सटी कितना होता है बेटा, वो होता है रूट थ्री प्लस यहां से अपने पास आ जाएगा टेन ए अपॉन वन माइनस रूट थ्री टेन ए आया, तो रूट थ्री प्लस टेन अपन वन माइनस रूट थ्री टेन ए, ये आ गया अपने पास टेन ऑफ सिक्सटी प्लस ए। अच्छा अगर सेम अप्रोच से सिक्सटी माइनस ए करोगे तो क्या ही बदल जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, सेम चीज वहां होगी, तो इट विल बिकम रूट थ्री माइनस टेन ए अपॉन में वन प्लस रूट थ्री टेन ए, कोई लॉजिक कोई डिफिकल्टी नहीं, ये फॉर्मूला सिंपल सा, टेन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों अपने को आता है, टेन ए यानी कि 60 था जिसकी वैल्यू पता है, टेन बी मतलब ए था वो ऐसे कैसे वेरिएबल में रहेगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन बोल रहा है अपने को टेन ए प्लस टेन सिक्सटी प्लस ए माइनस टेन सिक्सटी माइनस है, तो एक काम करता हूं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। अपने को क्या चाहिए था, अपने को क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से 60 प्लस ए चाहिए और इसमें से टेन ऑफ 60 माइनस ए को कर देना है सब्ट्रैक्ट, कर दो, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा करने पे आएंगे, अगर स्पेस लेके चलते हैं थोड़ा सा, अगर ऐसा करने पे आएंगे तो अपने पास आ जाएगा रूट थ्री प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस रूट थ्री टेन ए माइनस रूट थ्री माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस रूट थ्री इंटू टेन ए,
बढ़िया ओके बच्चा, अब देख इसको क्या करें, अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी अपने पास आ चुका था, अब इसके आगे से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा अपने पास, यहां से एलसीएम बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, ये अपने पास बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस गया बचा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो अपने पास आ जाएगा रूट ओवर थ्री प्लस थ्री टेन ए प्लस टेन ए प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल। ठीक है ओके, अभी राइट हैंड साइड से यहां से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ध्यान रखना ये भी माइनस है, माइनस ऑफ दिस। ठीक है, माइनस ऑफ होल दिस। ठीक है ओके, अभी अपने पास आ जाएगा प्लस गया माइनस बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ रूट थ्री, माइनस ऑफ रूट थ्री माइनस टेन ए, माइनस ऑफ रूट थ्री माइनस टेन, अच्छा माइनस टेन बेटा प्लस टेन, ध्यान रखना ये माइनस साइन है, साइन चेंज होगा अंदर से, मैं काम करता हूं उसको प्लस करता हूं, इसको माइनस करता हूं उसको प्लस करता हूं ताकि कंफ्यूजन रहे ही नहीं। तो यहां से आ जाएगा माइनस रूट थ्री, यहां से अपने पास आ गया प्लस टेन ए, अभी अपने पास आ जाएगा प्लस रूट थ्री प्लस थ्री टेन ए, और यहां से अपने पास बचेगा बेटा माइनस ऑफ रूट थ्री टेन स्क्वायर ए। बढ़िया ओके, अभी आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, जो जो कैंसिल हो सकता है कर दो, जो बच सकता है बचा लो, बाकी सब कुछ आगे चलने दो। रूट थ्री टेन स्क्वायर ए माइनस रूट थ्री टेन स्क्वायर ए, तो ये तो हो गया अपने पास खत्म। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और अपने पास एक हो रहा है माइनस रूट थ्री ए क्या प्लस रूट थ्री, ये भी हो गया खत्म। और कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो एड कर लो, थ्री टेन ए प्लस टेन ए कितना आया, फोर टेन ए, फोर टेन ए प्लस टेन ए फाइव टेन ए प्लस थ्री टेन ए दैट इज एट टेन ए, तो अपने पास आ गया एट टाइम्स ऑफ टेन ए। अच्छा, और कुछ बच रहा है अपने पास, और कुछ अपने पास बच रहा है यहां से ना, सब खत्म हो चुका है अपने पास, बस इतना बच रहा है, देखो ये कैंसिल हो चुका था, ये अपने ऐड कर लिया तो सब खत्म हो चुका है, एंड दिस अपॉन में वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए, ये अपने पास आ गई वैल्यू जो इसकी अपन वेट कर रहे थे। ठीक है, तो अपने पास आ गया एट टेन अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है अपने पास इन दोनों का सम। ठीक, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन क्या था अपने पास, एट टेन ए टेन ए, अपने को चाहिए था भाई वैल्यू फाइंड करनी है अपने को टेन ए प्लस इन दोनों का रिजल्ट, और इन दोनों का रिजल्ट कितना था, एट टेन ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, एक बार क्रॉस चेक कर ले, एट टेन ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए आ चुका है। ठीक है, अभी फर्दर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है, इसको सॉल्व करना है तो बेटा एलसीएम लो, एलसीएम अपने पास आ गया वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में अपने पास आ जाएगा टेन ए माइनस थ्री टेन क्यूब ए प्लस एट टेन ए आया, सिंपल। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व किया तो अपने पास आ रहा है एट टेन ए प्लस टेन ए दैट इज नाइन टाइम्स ऑफ टेन ए माइनस थ्री टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए एंड होल अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, ये अपने पास आ चुका। लेकिन ऑप्शन ना ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो सारे ऑप्शन ना आपको थ्री ए की फॉर्म में दिख रहे हैं, थ्री टेन थ्री ए टेन थ्री ए टेन थ्री ए, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं टू टेन ए, ठीक है टू टेन थ्री ए, और ये अपने पास आ रहा है साइन थ्री ए। देन अभी इसको कैसे सॉल्व करें, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ना दोनों का कॉमन पोर्शन दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं काम करता हूं थ्री कॉमन लेता हूं। ठीक है, ऑल्दो थ्री टेन ले सकता हूं लेकिन मैं सिर्फ थ्री कॉमन लूंगा, अगर अपन ने थ्री कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा अपने पास, यहां से बचेगा थ्री टेन ए माइनस माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, अच्छा कुछ गड़बड़ किया है, ये टेन क्यूब है, ध्यान रखना यहां पे ठीक कर लो, ये अपने पास है थ्री टाइम्स ऑफ टेन क्यूब है, थ्री टाइम्स ऑफ टेन क्यूब है, तो यहां पे भी अपने पास है टेन क्यूब है, क्या बना अपने पास थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब है, और अपॉन में अपने पास बचा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। अभी देखो क्वेश्चन हो चुका है खत्म, कैसे, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, दिस इज बेसिकली व्हाट, अगर मेरे को आइडेंटिटी याद है तो बच्चा ये आइडेंटिटी है टेन थ्री ए की, इसकी आइडेंटिटी आ रही है टेन थ्री ए की, और मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री से, मतलब दिस इज बेसिकली थ्री टाइम्स ऑफ टेन
थ्री ए और यहीं पर अपना क्वेश्चन हो चुका है खत्म। थ्री टाइम्स ऑफ टेन थ्री ए मार्क कर दो और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, ऑल्दो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप खुद से अपनी नोटबुक में करोगे तो बहुत टाइम ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना बहुत कुछ नया यूज हो रहा है, बेसिक कैलकुलेशंस हो रही है। 10 इन 60 प्लस थीटा फाइंड कर सकते हैं, 60 माइनस थीटा फाइंड कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन चाहिए, ऊपर में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ही किया तो सारा कुछ कैंसिल हो गया, फाइनल इतना बच गया अपने पास। ठीक, इतना जो बचा इसे मैं आगे लेके आया, तो 10a प्लस इसको किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, अभी अपने पास आ गया 9 10a माइनस 3 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। और अगर मैं सारे ऑप्शंस देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि 3a की फॉर्म में कुछ ना कुछ चाहिए 10 के साथ, और डिनोमिनेटर देख के क्लियर हो रहा है कि अब 3 10a बनाया जा सकता है, 10 3a बनाया जा सकता है। क्या किया मैंने, 3 कॉमन लिया, जैसे ही 3 कॉमन लिया बच गया 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए विच इज 10 3a। तो 10 3a इंटू 3 दैट इज 3 10 3a, क्वेश्चन डन, ऑप्शन मिला, मार्क किया, चार क्वेश्चन लिए, चार मार्क लिए और बढ़ गए आगे। क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं बेटा और आगे। अभी क्वेश्चन मेरे पास है कि स्पेशल प्रॉपर्टी, बेटा ध्यान रखना है ना, अब ये प्रॉपर्टी है और बहुत बार ना आपके ना क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाइए। ठीक है, और ये आपको रट जानी चाहिए, एकदम याद हो जाए, देखते याद हो जाएगी, इजी सी प्रॉपर्टी है। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, तो साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, दैट इज साइन ए, साइन 60 माइनस ए टाइम साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू बेटा साइन is equal to sin 3a upon 4 is equal to sin 3a upon 4। clear clear, एकदम simple से identity। ठीक है, next मैं बात करता हूँ cos a, cos 60 minus a, cos 60 plus a, exactly same। तो exactly same का answer भी exactly same है, this is equal to cos 3a upon 4, this is cos 3 upon 4। तो ये था अपने पास sin 3 by 4, ये हो जाएगा cos 3 by 4, और लास्ट अपने पास बच रहा बेटा 10a, 10 60 minus a and 10 60 plus a, exactly same होगा, क्या दोनों का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 4 खत्म, बचा sin 3a by cos 3a and sin 3a by cos 3a is 10 3a, और ये अपने पास आ गई थर्ड आइडेंटिटी दैट इज फॉर 10। देख लो अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगेन इससे भी जहां लिख रहे हो ना उसके ऊपर स्टार मार्क जरूर कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन बहुत मजेदार आएंगे इससे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में, अगर आइडेंटिटीज तीनों याद है। तो साइन ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए साइन 3a बाय 4, cos 3a cos a 60 minus a 60 plus a cos 3a by 4, और सेम 10a 10 60 minus a 60 plus a 10 3a, बस खत्म। ठीक है, अब सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, एकदम अच्छे से नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, तीन बार चार बार बोल चुका हूं। अब क्वेश्चन अपने पास बन रहा है कि सर वैल्यू बताओ 10a 10 50 10 70, ना 10 की पता 10 की पता, ना 10 50 पता, ना 10 70 पता। ठीक है, लेकिन मेरे को आइडेंटिटी याद है, तो 10 10 इसको क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इज बेसिकली 10 10 into 10, 50, 50 को we can write as 60 minus 10 into 10, 70 and 70 can be written as 60 plus 10, और ये identity दिख गई है, 10a, 60 minus a, 60 plus a, and this will be equal to what? This will be equal to 10 of 3a, मतलब 10 of 3 into 10, which is equal to 10 of 30, और जो कितना होता है, भाई खत्म हो चुका है question, because ये तो 1 upon root 3 होता है, option mark करें, 4 number लिए और फिर बढ़ गए आगे। ठीक, एकदम आसान, इससे आसान तो क्या ही है भाई, हलवा मिट रहा है, हलवा बट रहा है भंडारे में, लो और चलो, सिंपल 10a 60 माइनस ए 60 प्लस ए, आइडेंटिटी पता है 10 3a, a की वैल्यू 10, तो यहां से अपने पास बचा 10 3a दैट इज 10 30 विच इज 1 upon root 3, मार्क की ओर बढ़ गया, बढ़िया बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अपने पास 10 6 10 78 10 42 10 66 और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब मैं देखूं तो मेरे को एक तो दिख गया यहां से, मैं काम करता हूं लिख लेता हूं इसे। ठीक है, लिखने चलो, ओके, अपने पास है बेटा 10 ऑफ 6 इंटू 10 ऑफ 78 इंटू 10 ऑफ 42 और इंटू 10 ऑफ 66। ठीक, अब देखो मेरे को, अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना, ध्यान से देखूं तो 10 6 दिख रहा है, 10 60 plus 6 दिख रहा है, बट 10 60 minus 6 नहीं है, तो यहां मेरा काम फंस गया।
अच्छा 10, 78 and 42 इनको भी मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, तो आई विल फाइंड कि यार ये जो है ना, ये 10 60 माइनस 18 है, 60 माइनस 18 is 42, तो 10 60 माइनस 18 है, और ये जो है ना, ये 60 प्लस 18 है, 78 है ना, ये 60 प्लस 18 है, मतलब यहां पे 10 18 में से। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, देख बेटा 6 है 66 है, क्या चाहिए, क्या चाहिए अलग से, अपने को चाहिए 10 54। एक काम करता हूं, लाइन को थोड़ा सा दूर करके स्पेस बनाता हूं, ये अपने पास आ गया स्पेस और अब हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे, अगर 10 6 है, 66 है, तो मैं काम करता हूं, जो मेरे पास मिसिंग था 10 54, उसे मैंने मल्टीप्लाई किया, और ऐसे कुछ मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा 10 of 54 अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को पता है सेम चीज से क्या करना पड़ेगा, सेम चीज से अपने को करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये आ गया अपॉन में 10 of 54, अपॉन में 10 of 54, तो 10 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब क्या बन रहा है, अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो यहां अपने पास आ रहा है 10 6, ये अपने पास आ रहा है 10 66, यानी कि आई कैन राइट एज 10 60 प्लस 6, और 10 54 दिस कैन बी रिटन एज 10 of 60 माइनस 6, तो 10 6 60 माइनस 6 60 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 10 3 a 10 3 a is 10 18, तो बेटा यहां से अपने पास बचा 10 of 3 into 6, दैट इज 10 18 इंटू 10 78, जिसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 60 प्लस 18, 10 42, जिसको मैं अगेन डायरेक्टली लिख देता हूं 60 माइनस 18, और अपॉन जो नीचे 54 है उसको रहने दो, अभी वो अभी तक अपने को परेशान नहीं कर रहा, ना इसको अपन हटा सकते हैं। अब आगे मेरे को फिर आइडेंटिटी दिख रही है, अब कौन सा रहा है 10 18, 60 प्लस 18 60 माइनस 18, ठीक 10 18 60 प्लस 18 60 माइनस 18 is what 10 3 into 18, एंड 10 3 into 18 is 10 of 54, भाई 18 54 है, 18 into 3 54, तो 10 54 अपॉन में अपने पास कितना आ रहा है, अपॉन में अपने पास आ रहा है 10 of 54, सॉल्व करेंगे 10 54 upon 10 54 कैंसिल हो गया, बच रहा क्या है 1, इतना अजीब सा क्वेश्चन, इतना सिंपल सा आंसर, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1 दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है, मार्क कर दिया, कर दिया भाई, बढ़ गया आगे, ठीक ध्यान से देखो 10 6 78 66 42, यहां दिख गया था 10 6, यानी कि 10 थीटा, तो 10 6 60 प्लस 6, बच रहा था 10 50 60 माइनस 6, दैट इज 54, तो 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे ऐसा किया तो अब दिख रहा है 6 60 माइनस 6 60 प्लस 6, दैट इज 10 6 into 3, दैट इज 10 18, अब 18 78 is 60 plus 18, 42 is 60 minus 18. Again, same property. Theta, 60 minus theta, 60 plus theta is 10. 3 theta, that is 10, 3 into 18. And 3 into 18 is 10, 54. Upon mein 54 tha. 10, 54, upon 10, 54. Cancel kiya, aagya 1. Badh gaya, aagya, badh gaya. Badhya. ठीक, अब ये सारा कुछ अपना हो चुका है, क्लियर क्लियर है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी सब अपन ने किया, अब आगे अपन बात करते हैं बेटा अपने कुछ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। देखो डोमेन एंड रेंज मैंने शुरू में अपन ने किया था, साइन क्या होता है, कॉस कॉस एक्स एक्स सबका कर लिया था, इनके स्क्वायर्स का कर लिया था, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कर ली थी, अब आगे अपन बात करते हैं कि इस तरह से कुछ अपने पास दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है ध्यान रखना यहां पे एंगल ना सेम है, एक भी थीटा है दूसरा भी थीटा है, तब की बात हो रही है, दोनों अलग एंगल है तो अलग केस बन जाएगा, ठीक। तो अगर अपने पास है a into sin theta, मैं अगेन बोल रहा हूं एकदम क्लियरली क्योंकि बहुत बच्चा गलती करता है, ये दोनों थीटा ना सेम है, ये थीटा है ये थीटा है, तब है दोनों के एंगल सेम है, तो बेटा अगर मैं a sin theta plus b cos theta की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो ये आता है बेटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। अगर मिनिमम फाइंड करने तो मिनिमम कहां से आती है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव, एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब, ए ऑफ साइन थीटा प्लस बी ऑफ कॉस थीटा और माइनस बी ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्म, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी अभी मतलब ये अपने को समझ आ गया कि यार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो रेंज आ गया, मतलब मैक्सिमम ये जाएगा मिनिमम ये जाएगा, यहां से यहां तक वैल्यू जानी है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, इसके ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, क्लियर है ये। अच्छा सेम चीज अगर मैं साइन और कॉस का स्क्वायर कर दूं, दैट इज ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर कर दूं, तो ये तो ना देखो याद करने से पहले एक बार मैं समझने की कोशिश करता हूं,
ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ये हमने बोला 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की, सर मैक्सिमम वैल्यू बता दो और सर ना मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक बताएं। अब देख मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, या तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 3 8 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अच्छा यहां से देख 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे थीटा की जो मैं वैल्यू पुट करो वो तो 3 बनेगा। बिकॉज व्हाट, बिकॉज यहां से एक और स्टेप में लिख देता हूं 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इंटू 3 3, तो ये तो मेरे को मिल गया 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, और बच गया अपने पास प्लस 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बच गया क्या अपने पास 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक इसकी वैल्यू तो डेफिनेटली 3 जानी है, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। अच्छा 5 स्क्वायर थीटा के, अब जो एक्चुअल में ये पूरी इक्वेशन थी, इसको पूरी इक्वेशन को मैं मान लेता हूं a, यानी कि दिस इज इक्वल टू a। अब a की मैक्सिमम वैल्यू और a की मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, साइन स्क्वायर थीटा पे, ठीक। अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा तो a की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और इसकी मैं मिनिमम वैल्यू रख दूंगा तो a की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, मैक्सिमम जो आएगी वो मैक्सिमम क्या बनेगी, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाए, 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 5 प्लस 3, यानी कि मैक्सिमम अपने पास आ रही है 8। अच्छा अगर मिनिमम निकालना है कब, तब ये मिनिमम हो जाए। अच्छा मिनिमम में नेगेटिव तो जाएगा नहीं, बिकॉज स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, जब इसकी कोई वैल्यू ना हो, मतलब 0 हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू आ सकती है जब 0 हो प्लस ये 3 हो, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 3, ठीक। तो मैक्सिमम आ रही है 8, मिनिमम आ रही 3, और अब ये ना हर जगह यही वर्क करेगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है अलग अलग कोफिशिएंट के साथ, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, ठीक, तो बना क्या समझ आ गया। अच्छा मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो यहां से क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैक्सिमम आ गया 8, और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मिनिमम आ गया 3, ठीक। और सेम चीज ना हमेशा वैलिड होगी, अगर यहां पे 8 होता यहां 3 होता तो भी सेम मैक्सिमम मिनिमम आता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समझना, तो सिंपल मेरे पास क्या आता है, अपने पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है ए और बी में से जो भी मैक्सिमम है, ए और बी में से जो भी मैक्सिमम है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास क्वेश्चन की। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, ठीक। यानी कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करो, मैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए और बी में से जो मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू क्या है, ए और बी में से जो मिनिमम है। मैं काम करता हूं उसको क्लियर यहां लिख देता हूं कि बेटा अगर अपने पास दे रखा है ए इज इक्वल टू साइन, के इज इक्वल टू ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अभी के की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, के की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ए और बी, ए और बी की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, ए और बी में से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो किसको अलोकेट हो जाएगा, वो अलोकेट हो जाएगा के को, और वो के की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा के की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा मिनिमम ए एंड बी, यानी कि ए और बी में से जो भी छोटा नंबर है, ठीक। और सेम चीज यहां पे हुआ, अगर मैं देखूं अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू 8, मिनिमम वैल्यू 3। अगर यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बनेगा, क्वेश्चन अगर मेरे पास एग्जांपल है सर 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 51 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 15 और 51 में से जो बड़ा है कौन सा, 51। अच्छा सर मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम क्या होगा, दोनों में से जो छोटा है कौन सा है, 15। बस इतना सा क्वेश्चन है, समझ आया। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ए और बी में से जो बड़ा है, मिनिमम वैल्यू ए और बी में से जो छोटा है, समझ आ गया। अभी डन हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक। अब लेकिन ना एक पॉइंट अगेन ध्यान रखना, यहां भी थीटा और थीटा ना सेम है, एंगल दोनों में सेम है, अगर एंगल बदलेगा तो चीजें बदल जाएंगी। कैसे, अगर मैं कह रहा हूं कि यार मेरे को ना वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा कितना, 10 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 51 कॉस स्क्वायर थीटा 2, इसको बोल दिया थीटा 1, इसको बोल दिया थीटा 2। अब कह रहा है सर इसके ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ,
अरे भाई अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू 451 और मिनिमम वैल्यू 10 नहीं आएगा, क्वेश्चन अब बदल चुका है कंप्लीटली। रीजन, ये थीटा 1 अलग है, ये थीटा 2 अलग है, मतलब ये एक सेपरेट वैल्यू देगा, ये एक सेपरेट वैल्यू देगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू दे और ये अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू दे। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे पता है sin square theta maximum can be 1, तो 10 sin square theta maximum can be 10 plus similarly cos square theta maximum, ये theta 2 है, ये अलग एंगल है ना, दोनों अलग अलग एंगल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 51 cos square theta की मैक्सिमम वैल्यू 51, यानी कि this will be equal to 61, this is the result, ठीक। और अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू इज 0। तो ध्यान रखना, जो मैं केस बता रहा हूं वहां पर दोनों थीटा सेम था, तब मैंने बोला कि ए और बी में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो मिनिमम है। अगर दोनों अलग अलग एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा 1 है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 है, तो मैक्सिमम हो जाएगा ए प्लस बी और मिनिमम हो जाएगा क्या, मिनिमम हो जाएगा क्या, मिनिमम हो जाएगा बेटा दोनों में से 0, मिनिमम हो जाएगा 0, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है तो मिनिमम विल बी 0। आई होप अगेन दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और ये चीज ना दोनों चीज में वर्क करेगा, यानी कि जब अपन ने पढ़ा कि सर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, अपन ने बोला कि सर मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू थी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू अपन ने पढ़ी कि सर मिनिमम वैल्यू थी माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया, ध्यान रखना दोनों थीटा सेम था। अगर थीटा डिफरेंट है, मेरे पास कोई नंबर है सर 10 साइन थीटा 1 प्लस 15 कॉस थीटा 2, अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अरे भाई जब दोनों एंगल डिफरेंट है, दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यहां से क्या ही फर्क पड़ेगा, साइन कॉस पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉस साइन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू विच इज माइनस 10, क्यों 10 थीटा 1 साइन थीटा 1 मिनिमम माइनस 1, तो 10 ऑफ साइन थीटा 1 मिनिमम माइनस 10, ठीक, cos theta 2 minimum minus 1, तो 15 of cos theta 1 will be equal, theta 2 will be equal to minus 15 and answer is minus of 25। अच्छा, अगर अपने को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम अगेन इसकी मैक्सिमम विच इज 10, इसकी मैक्सिमम विच इज 15 एंड आंसर इज 25। ये अपने पास आ रहा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जब थीटा डिफरेंट हो तब क्या करना है, थीटा सेम हो तो क्या करना है, ऐसा कुछ करके अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। और यहां पे बच्चा अपन रैप अप करते हैं आज के लेक्चर्स को। ट्रिग्नोमेट्री का जितना पोर्शन था 11 क्लास का वो अपन खत्म कर चुके हैं। अब अपन बेटा बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ऑल्दो एनसीईआरटी में दोनों को क्लब करके सेम चैप्टर दे रखा है, बट अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अपन ने अभी तक किया और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो अपन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे उनको सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपना 11 क्लास का खत्म हो चुका है। तो यहां तक का बेचा कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, फॉर्मूला चार्ट बना लेना, कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके पास है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।